कांग्रेस के पूर्व नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर तंज कसते हुए आज फिर कहा है कि यह सूट बूट की सरकार है और पूंजीपतियों के हितों को सुरक्षित करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा है कि सरकार सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत तरीके से और धीरे धीरे काम कर रही है। उसका मकसद सिर्फ पूंजीपतियों के हित साधने और उनके फायदे के लिए काम करना है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सरकार जिस तरह से काम कर रही है वह क्रोनोलॉजी समझिए। पहले कुछ बड़ी कंपनियों का कर्ज माफ किया, फिर कंपनियों के बड़े स्तर पर टैक्स में छूट दी। अब इन्हीं कंपनियों द्वारा स्थापित बैंकों में जनता की कमाई सीधे जमा करने की तैयारी की जा रही है, सूट बूट की सरकार। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने एक खबर को भी शेयर किया है जिसमें रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने कहा है कि कॉरपोरेट घरानों को बैंक स्थापित करने की मंजूरी देने की सिफारिश आज के हालात में चौंकाने वाली है। दोनों का मानना है कि बैंकिंग क्षेत्रों में कारोबारी घरानों की संलिप्तता के बारे में अभी आजमाई गई सीमाओं पर टिके रहना अधिक महत्वपूर्ण है। बंगाल के खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज चक्रवाती तूफान में बदल गया। निवार नाम का ये तूफान इस साल का चौथा चक्रवाती तूफान है। इससे पहले अम्फान निसर्ग और गति ने दस्तक दी थी। सोमालिया से शुरू हुआ गति तूफान का खतरा दो दिन पहले ही टला है, लेकिन इस वक्त हर किसी की निगाहें निवार पर टिकी हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश का दौर शुरू हो गया है। चेन्नई में आज लगातार भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो आज बारिश की रफ्तार में और तेजी देखने को आएगी। इस दौरान हवा की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। ऐसे में तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मछुआरों को भी समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 37,975 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या अब 91,77,841 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 480 लोगों की मौत हुई है। देश में मरीजों के ठीक होने की दर 93.68% है। वहीं कोरोना से मृत्यु दर 1.46% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में मरने वालों की कुल संख्या अब 1,34,218 हो गई है, जबकि 42,314 नए डिस्चार्ज मामलों के बाद कुल ठीक हुए मामलों की संख्या 86,04,955 है। देश में लगातार 13 दिन से उपचाराधीन लोगों की संख्या 5 लाख से कम है। आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी 4,38,667 लोगों का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 4.85% है।